अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। ईद वाले दिन हम कहीं गए भी नहीं, सारा दिन हमने घर पर ही गुजार दिया। मैंने तो काफ़ी देर सोकर ही गुजार दिया, लेकिन फिर भी जो है शायद रोज़ों की थकावट थी। सुबह हम काफ़ी देर से उठे और ये ईद का दूसरा दिन है, ये भी बड़ी तसल्ली से हमने घर पर रह कर ही गुजार दिया। मैंने ईद पर सिर्फ़ एक ही ड्रेस मंगवाया था, ईमान का, फजर का। हम सब ने एक एक ही ड्रेस मंगवाया था, तो ये पिछले साल की छोटी ईद पर मैंने ये ड्रेस सिलवाया था, तो वही पहना। बाहर आ तो गई हूँ लेकिन बाहर आंखें नहीं खुल रही, और घास जो है, कल तो बारिश ही होती रही है, पता है वो स्टक हो ही रही है ऑलरेडी। कल तो बारिश ही होती रही है, कल तो खैर हम बाहर आ ही नहीं सके, कल ईद का पहला दिन था, बारिश की नज़र हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, कहो। हम वॉक कर हम करा सकते। और दोपहर के खाने के लिए तंदूरी चिकन जो है वो बनाया था एयर फ्रायर में, और ये जो नान बनाए थे ये मैं इस तरह से इनको कट करके रख लेती हूँ छोटे साइज़ के, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा पड़े थे तो इनको तवे पर गरम कर लिया, तो ये नान साथ खाए। वैसे तंदूरी चिकन इतना मज़े का बना हुआ था, और इसको ईद से भी एक दिन पहले मैंने मैरिनेट किया था, तो बहुत ही अच्छा ये बन गया। तो ये सैलड के साथ और योगर्ट के साथ वैसे ही बहुत मज़े का बना, और थोड़ा सा प्याज और लेमन डालकर इसको हमने सिज़लर कर लिया। तो अनिल सन नो वे मान, स्टॉप स्टिकिंग विद वन चिकन, जस्ट गिव मी द बिग वन। ये वाला ला रहा, वो वाला ला, की ओनियन को दे देना बिग वन। निहारिका सालन काफ़ी पड़ा हुआ था, बच्चों ने वो मर्ज़ी से ही खाया। कबाब मसाले का सालन भी पड़ा था, तो उन्होंने कहा हमने तंदूरी चिकन ही खाना है, और दोपहर के खाने के बाद ये बन रही है आकू की डो। ये कास्ट आयरन के फ्राइंग पैन जो हैं मिनी साइज़ के, ये मैं टीके मैक्स से लाई थी, और ये ओवन में बनाने के लिए कुकी डो तो ही मैं ये लेकर आई थी, और ये बड़ी ही ज़बरदस्त इसमें कुकी डो बनी। दोपहर का खाना खा लिया है और अभी ईमान ने कुकी डो बनाई है, वो खाने लगे। Why? Because too. My mom made some. She put some white chocolate here, and I made these. I made myself. मिलियनेयर शोर ब्रेड और ये कुकी डो जो है ये ईमान ही बनाती है, तो फिर मैं उसी से कहती हूँ तुम ही बनाया करो। ये मेरे चैनल पर रेसिपी है, तो उसी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डबल करके बनाती है, तो जो काम ये आसानी से कर लेती है फिर मैं इसी से कहती हूँ तुम वो काम कर लिया करो। और ये देखें मैं इसी में खा रही हूँ कुकी डो, जिसमें बेक करें उसी में खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। और ये सारी मैंने नहीं खानी, ये मैंने और कैसर ने खाई है। ईद पर बेकिंग ना हो ये कैसे मुमकिन है। मैं यहाँ पर केक बना रही हूँ, चार अंडे लिए हैं, एक कप इसमें चीनी का डाला है, और एक कप ही इसमें प्लेन फ्लावर, और आधा कप कोकोआ पाउडर, एक टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, और वनीला एक्सट्रैक्ट एक टेबलस्पून, और एक टेबलस्पून भरकर डार्क कॉफ़ी का मैंने डाला है, स्ट्रॉन्ग वाली कॉफ़ी इसमें डाली है, आधा कप इसमें उबला हुआ बॉइलिंग वाटर, और एक कप इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है, और एक से दो पिंच इसमें नमक के डाले हैं, और यहाँ पर केक का बैटर जो है वो तैयार हो गया है। और केक का बैटर तैयार करने से पहले ओवन को 180 डिग्री पर प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया था।
चाहे तो इसको जो बड़ी ट्रे बेक होती है 14x8 और 9 उसमें बेक कर लें, या 10 इंच केक टिन में बेक कर लें। मेरे पास यहाँ ये 7x7 और यहाँ पर एक केक टिन, लूफ केक टिन है, मैं इसमें बेक कर रही हूँ। और इसका बेकिंग टाइम जो है वो 25 मिनट से हाफ एन आवर हो सकता है। 25 मिनट बाद इसको चेक करें तो केक जो है पॉसिबल है बेक हो जाएगा। मैंने इसको 25 मिनट बाद चेक किया तो जो ट्रे थी वो बेक हो गई थी, जो लूफ केक टिन था उसको थोड़ा टाइम था, तो उसको मैंने हाफ़ एन आवर, पूरा हाफ एन आवर बेक किया है। जब तक केक बेक हो रहा है, किचन में जो खलारा पड़ा हुआ है वो सारा मैं उठा लूँगी, जो दोपहर के खाने के बर्तन धोने वाले हैं और जो सुबह के धुले हुए बर्तन हैं वो मैं साइड पर रख दूँगी। और ये वाला केक जो है बेक हो गया, मैंने इसको निकाल के रख दिया है। दूसरा केक जो है वो भी बेक हो रहा है, उसको थोड़ा टाइम है। इसके ऊपर मैंने ये अल्मोनियम फॉइल दे दी है और फिर इसके ऊपर मैं ये डाल दूंगी ताकि केक मेरा जो है वो बहुत बहुत सॉफ्ट रहे, जिसकी मैं आइसिंग करूंगी। दूसरा केक जो है वो अभी बेक हो रहा है, जब वो हो जाएगा तो मैं उसको निकाल लूंगी। बर्तन धोने लगी थी, बर्तन धोने के लिए आज मैं ये पहन लूंगी क्योंकि मेरे हाथों को मेहंदी लगी है, मैं चाह रही हूँ मेरी मेहंदी जो है ये कोई एक दो दिन तक तो लगी रह जाए। तैयार हो के बन ठन के फिरना भी तभी अच्छा लगता है जब घर के बाकी खिलारे जो हैं वो भी समेटे हों। ये नहीं है कि हम बन ठन कर फिरते रहें और घर में जो है वो खिलारा पड़ा हो। तो बर्तन जो है वो धोने लगी थी तो मैंने ये ग्लव्स पहन लिए ताकि हाथ जो है वो थोड़े सही रह जाए, मेहंदी ख़राब ना हो, एक दो दिन लगी रह जाए। अभी ये ईद का तीसरा दिन है, काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग जो है वो कोस्को की करने वाली थी, तो अभी हम कोस्को आए हैं और चूंकि बच्चों की भी छुट्टियां हैं तो सारी फैमिली ही आ गई है यहाँ पर। कोस्को आए हैं काफ़ी टाइम के बाद, रमज़ान में आए थे। ईमान वास्ते सही प्यारा वाला, ईमान बड़ा बोल दी होंगी मेरे पैर ये देख लो, ये सारे नए डिजाइन आ गए। अच्छा ये इनके पास भी ये वाला कूलर है, मैं भी लेकर आई हूँ, वो शायद इतने का है, ये है और ये 12 पाउंड की है। सी यहाँ पर आज वो बोल नहीं है जो मुझे चाहिए, मुझे पहले ही पता था, मुझको पता था मुझे नहीं अब मिलने। देखा यहाँ पर है ही नहीं, वो स्टेनलेस स्टील के बोल थे, आई न्यू के यहाँ पर नहीं होंगे। हिम्मत पे जंग छिड़ गई है यहाँ पर। आज दौड़ लगी है, आज दौड़ दौड़ के हमने शॉपिंग की है, इतनी जल्दी हमने कभी भी कोस्को से शॉपिंग नहीं की, आज दौड़ें लगी हुई है हमारी। शॉपिंग हमने 1 घंटे में करनी थी, वो हमने 20 मिनट में कर ली है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक तो नॉर्मली ये इतना रश भी नहीं है, लेकिन ये है कि इतनी तसल्ली से फिरने के लिए ज़रूरत नहीं है, सारे बच्चों के साथ आए हुए हैं। क्यों इन शूज़ में की मसला है, आज शूज कुछ कहते थे तेन, तो फिर चुप कर जा, चुप कर जा, बोली ना जा। सारी एंजाइटी शॉपिंग ते कर दे, इतना बोल दे जिस तरह शॉपिंग दे पैसे भी इन्होंने लाए हुए, बड़ा बोल दे बच्चे। दुआ की फ़्राक जो है वो वापस करानी थी तो कैसर कस्टमर सर्विस पर वापस कराने खड़े हो गए, हमें कहा कि बाहर निकल जाएं, हम गाड़ी के पास आकर खड़े हुए तो पता चला चाबी कैसर के पास है, तो 2-4 मिनट वहाँ पर खड़ा होना जो है वो महाल हो गया बच्चों के लिए, तो उन्होंने बोलना ही शुरू कर दिया, ऊपर से बारिश थोड़ी सी होना शुरू होगी। अभी घर आई हूँ तो मैं यहाँ पर जो केक बनाया था उसके लिए चॉकलेट फज बना रही हूँ, कंडेंस मिल्क, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा बटर इसमें डाला है और कोकोआ पाउडर डाला है, क्योंकि मुझे चॉकलेट फज का जो कलर है वो थोड़ा डार्क चाहिए था।
और मैंने इसमें डार्क चॉकलेट भी डाली है। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अच्छा खासा इसको मैंने कुक किया है, बहुत ये देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इसकी बड़ी क्रीमी सी है। और केक ट्रे के ऊपर इसको पोर कर देना है और थोड़ी सी वाइट चॉकलेट जो है वो श्रेडेड की है वो इसके ऊपर, जो लूफ केक टिन है उसके ऊपर मैं इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी। और ये चॉकलेट बटन है चॉकलेट मिल्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट के, और इसको इस तरह से मैं केक ट्रे को डेकोरेट कर रही हूँ। मैंने ये मिल्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट के बटन से इसको इस तरह से डेकोरेट किया है। चाहे तो सारे के सारा ही कवर कर दें लेकिन इसको खाना भी है तो ये टू मच ही हो जाएंगे। अगर किसी दावत या पार्टी के लिए बनाएं तो पूरे का पूरा जो ये ट्रे बेक है इसको इस तरह के बटन से कवर किया जा सकता है, लेकिन ये हमने खुद खाना है तो केक भी मीठा, ये आइसिंग जो है इसमें कंडेंस मिल्क है और ये भी मीठा, देन इसको मच मीठा हो जाएगा। तो जो बटन बचे हैं उसको इस तरह से चॉप करके इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे। अच्छा ये देखें केक, ये दोनों मैंने एक ही बेक किए हैं, इसको मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है और इसको इस तरह से डेकोरेट किया है और दोनों डिफरेंट लुक दे रहे हैं। तो इस तरह किसी पार्टी के लिए एक ही तरह का केक बेस बनाकर उसके डेकोरेशन को अगर दो तरीकों से करेंगे तो वो दो डिफरेंट फ्लेवर के केक लगेंगे और खाने में भी वो डिफरेंट ही होंगे, क्योंकि जो लुक डिफरेंट है तो वो उसको साइकोलॉजिकली भी टेस्ट डिफरेंट ही आएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत केक बना है। रमज़ान की तैयारी से ये जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर रमज़ान के दौरान सहरी अफ्तारी की रूटीन और बहुत सारी रेसिपीज शेयर की, और ईद के इस व्लॉग के साथ वो सारा सिलसिला जो है अहतमाम पज़ीर होता है। और उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ एक ही चीज़ सीखी होगी तो वो भी सदका जारिया बन जाएगा मेरे लिए। दुआओं में याद रखा करें और बशर्ते ज़िंदगी आने वाले साल में दोबारा से ये सिलसिला शुरू करेंगे। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।